भाई हमारा बैनर, इधर है हमारे एलबीज भैया और इधर हम पांच। और रहना है तो सिस्टम से भी रहना पड़ेगा। सो हे गाइस, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज है मंडे, तो फिलहाल अभी हो रहा है सुबह के 9 बज रहे। तो यहाँ से मैं निकलूंगा पहले अभी दीदी को लेकर हॉस्पिटल, क्योंकि दीदी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो उनको लेकर हॉस्पिटल जाऊंगा। वहाँ से काम खत्म करने के बाद जाते हैं आंसू के घर के पास, क्योंकि आज बहुत बड़ा काम करना है हम सभी को और आप सभी का भी सपोर्ट चाहिए। तो फिलहाल अभी तो बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो अभी फिलहाल निकलते। और मेनली बात, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं हम लोग बहुत मेहनत से कर रहे हैं। प्लीज सर, आप लोग का सपोर्ट चाहिए और आप सभी का प्यार चाहिए इस वीडियो पे। तो प्लीज सर, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पे काम खत्म कर देते फिर निकलते हैं आंसू के घर के पास, ठीक है। और सरप्राइज क्या है मैं आप सभी को उधर जाके बताऊंगा, आंसू के घर के पास। तो अभी फिलहाल चलो जल्दी जल्दी। सो गाइस, मैं फिलहाल अभी एकदम रेडी होके अभी फिलहाल निकल चुका हूँ। और ये अपना जूपी, अपना रेनी कोट भी आ गया, ये अपना कैप, और ये क्या है, अरे इसको हटाओ कल आपको भाई। चलो जी, अभी फिलहाल निकलते सीधा आंसू के घर के पास, उधर से हम लोग जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन, सॉरी अपनी जगह पे, ठीक है। तो आज ओ माय गॉड, गाड़ी ठोक दी मैंने, शिट। ओके चलो अभी निकलते हैं, सीधा जगह मिलते हैं आप सभी को आंसू के घर के पास। चलो 20 मिनट्स लेटर। अरे भाई देखो देखो देखो, अरे अंधेरा आ गया, अंधेरा छा गया। मैं ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा। हाँ, तेरे ऊपर 10 बार 10 बार गोला फेंक दूंगा, रुक 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 रुक। हाँ घर से ही स्टार्ट कर लिया हूँ। सो गाइस, फाइनली हम आगे पहुंच गए आपके घर के पास। जय जगन्नाथ टू ऑल। मैं पहले बोला था, अभी बोल रहा हूँ जय जगन्नाथ, क्योंकि हम हिंदू है, हिंदू। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ एंड जय श्री राम। तो आज के ब्लॉग में क्या होने वाले हैं, आज का ब्लॉग में मतलब कैसे हम लोग पोस्टर लगाने वाले हैं एलबीएस यादव का, मतलब कि उड़ीसा की तरफ से मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए। तो एक बैनर तो हम लोग की तरफ से भी लगेगा, तो पोस्टर के लिए मैंने टेलीग्राम से निकाल के मतलब उनका जो साइज है तो मैंने दे दिया ऑलरेडी, वो बना के रखे हैं, जाएंगे लेके आएंगे और उत्कल यूनिवर्सिटी के सामने खेच देंगे पूरा। उड़ीसा की तरफ से 3 बंदे देख रहे हैं, वोट करो, वोट पर एलबीएस यादव। और जल्दी जल्दी अभी चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हो चुके 11 बज चुके हैं। हम लोग जाएंगे दुकान को, दुकान से मतलब प्लेस की दुकान, प्लेस की दुकान से बैनर लाएंगे, जाके लगाएंगे यूनिवर्सिटी के सामने। तो जहाँ पे जगह मिले वहां पे गाड़ दो। ओके चलो, कभी प्लान निकलते हैं, ये प्लेस होकर निकलेगा। मैं तो ऑलरेडी निकल के आ चुका हूँ, मैं तो ऐसे निकलूंगा, हाफ पैंट में निकलूंगा। चलो कभी प्लान हम लोग निकलते हैं यहाँ से, प्लेट की दुकान, वहां से प्रिंट। अरे तेरे ब्लॉग से मुझे याद है, मेरा भी एक ब्लॉग चैनल है, मुझे भी स्टार्ट करना है ब्लॉग। मेरे को भाई का भी चैनल है, भाई का भी चैनल है, तो भाई अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करेगा। ये स्टार्ट कर चुके तू? नहीं, मेरा तो कोई स्टार्टअप नहीं रहता है, मेरा इंट्रो नहीं रहता, पर आउटरो रहता है, इंट्रो बाद में रहता हूँ मैं। पकड़ लिया साड़ो। अरे भाई गलत से। तो गए, तो अभी फिलहाल चलते हैं सीधा प्लेस की दुकान को, दुकान से हम लोग लेंगे बैनर, हम लोग निकलते हैं सीधा यूनिवर्सिटी के सामने। तो अभी चलेंगे क्या? अभी घर चल, मैं थोड़ा पैंट वैंट पहन लेता हूँ, फिर चलते हैं। ओके तो चलो, लड़की नहीं हूँ भाई, जल्दी रेडी हो जाना। ओके चलो 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 चलो। 3:28 AM। तो गाइस फाइनली हम लोग आगे पहुंच गए टेक्स्ट प्रिंट पे, जो कि आशीर्वाद ग्राफिक्स हाँ सामने लिखे हैं। और बाहर बारिश हो रहा है भयंकर लेवल का। यह है प्रिंट की दुकान, मतलब टेक्स्ट की दुकान। हम लोग ने अंदर जाके एलबीएस यादव का जो बैनर था ऑलरेडी बना चुके हैं, वो फिलहाल अभी प्रिंट निकलने वाला है। और आज हम लोग बना रहे हैं इसलिए क्योंकि हम सभी का सपोर्ट है एलबीएस भाई को। तो हम भाई बहुत बड़ा फैन है एलबीएस भैया का, तो एलबीएस भैया का जो कि बिग बॉस को OTT पे उनको वोट भाई भयंकर लेवल का जाके करो, एलबीएस भैया को वोट दे दे के भयंकर लेवल का। बिग बॉस तो फिर भी जीतना है हमारा एलबीएस भाई। तो आंसू और आदि कहाँ गए मेरे को पता नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। तो अभी फिलहाल चलते हैं अंदर, अंदर आपको दिखाते हैं हमारा बैनर निकलेगा तो कैसा दिखता है भाई। हम सभी का भी फोटो है उसके अंदर, मेरा, आंसू का, आदि का और रजत और पुष्पा का, हम सभी का पाँचों के पाँचों, पाँच या छः बंदों का फोटो ही है उसके अंदर।
तो अभी फिलहाल चलते हैं अंदर, अंदर आपको दिखाते हैं बैनर निकलेगा, निकलने के बाद आप लोग को दिखाते हैं। चलो तो गाइस फाइनली आगे पहुंच गए ये दोनों। कहाँ गए थे तुम दोनों? ये बंदा, ये बंदा, ये तू कहाँ पर है? किधर है तू? किधर है तू? किधर है तू? इधर भी बारिश हो रहा है, क्या करे? तो आ रहे हो, मैंने बात करने के लिए कहा था, न्यूज चैनल वाले आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको फिर से बताते हैं वोट कैसे देते हैं, मैं बताया नहीं हूँ। वोट जो देते हैं मतलब देते हैं ऐसे कि जियो सिनेमा आप जाओ, जाकर सर्च मारो, बिग बॉस ओटीटी सर्च मारो, वहाँ पे एलवी यादव का फोटो आएगा, जाके क्लिक कर दो, मीटर खींच दो पूरा एलवी यादव को, इतना दो भाई, जितना हो सके भारत एकदम का मतलब ऐसे हिल जाएगा। तो बोल चुके हैं मतलब कि अगर जीतेगा तो 1001 गाड़ी जाएगा, मतलब पूरा जितना चाहिए भाई। तो मतलब भाई एलवी को वोट देके जिता दो भाई। ये नहीं बोला अभिषेक भी बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन भाई अपना एलविस, तो एलविस भाई को वोट जाएगा हम लोग की तरफ से। तो आ रहे अभी न्यूज चैनल वाले आ रहे हैं, तो उनका भी, वो भी वाइट लेंगे, वो भी वाइट लेंगे थोड़ा। तो देखते हैं कैसा क्या होता है, आप लोग ब्लॉग में बने रहो और एंजॉय करो, एंजॉय करो, आप भी वोट करो। यो सिस्टम। और जैसे कि मतलब कि वीकेंड जो था, वीकेंड में मतलब एलवी यादव रो दिया, तो वो सीन बहुत मतलब बुरा लगा कि हम लोग तो ऐसे बिग बॉस देखते नहीं है, फॉलो भी नहीं करते हैं, बस इस पहले देखते रहे। थे पहले मतलब जब हमारा स्कूल टाइम था तब देखते थे, लेकिन अभी काम है और सोशल मीडिया ये अपना काम के लिए। अच्छा भी नहीं लग रहा यार अभी, तो बस पुलिस जब गया था तब मैं घुसा उसमें कि जब मैं इंस्टाग्राम रील में जो छोटा छोटा शॉर्ट्स है ना उसमें वायरल हो रहा था, पुनीत के लिए वो घुसा था, वो भी 12 घंटे में उनको भी निकल दिया, क्योंकि देख भाई पैसा जहाँ पे है भाई वहाँ पे वो बिग बॉस कैसा है सबको पता है, बिग बॉस में क्या चलता है वहाँ पे, जिसके पास पैसा है। पहले बात आपको बोल देता हूँ, जब पुनीत था टीआरपी ऐसे था, जब पुनीत को निकाला गया टीआरपी ऐसे गया, जब एलविस भैया गए ऐसे गया, फिर सलमान खान ने जो उनको रुलाया तो सलमान खान भैया मतलब सलमान भाई का उनका मतलब सर का उनका फॉलोअर्स ऐसे गिर गए, मतलब रो दिया, वो चीज़ अच्छा नहीं लगा मेरे को, जानते हैं मतलब इमोशनली मतलब ये चीज़ कर रहे हैं। बाकी हम लोग का काम बस यही है, बस सपोर्ट करना है, भाई को जिताना है, ट्रॉफी चाहिए, एलवीस आर्मी, एलवीस भाई के हाथ पे ट्रॉफी चाहिए। हाँ भाई बोलो तो भाई को सपोर्ट करो जितना ज्यादा हो सके। ये क्यों बार बार बोला, क्योंकि भाई के लिए प्यार है और हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं क्या हुआ, हम लोग भी जानते हैं, एक सेकंड पे बोलने दो, हम लोग भी जानते हैं आप लोग भी बहुत प्यार करते हो, वो तो पावर दिख रहा है मतलब वोटिंग के हिसाब से मतलब पता चल रहा है, और इतना सपोर्ट कर रहे हो मतलब सलमान खान का फॉलोअर ऐसे गिर गया भाई भयंकर गिर गया उनका। अभी तो सब बोल रहे कि बॉयकॉट सलमान, बॉयकॉट सलमान, क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये टीआरपी लेके 500 रुपया बोला था ये करने के लिए, फॉलो करने के लिए सलमान नहीं बाप, अरे इधर बेस्ट चॉइस सलमान भाऊ, वो बोलते हैं क्रिंज कंटेंट बनाता है, अरे नहीं नहीं क्रिंज कंटेंट बनाता ना तो इतना सपोर्ट नहीं मिलता भाई को। हाँ ये तो सही बात है। तो फिलहाल हमारा प्रिंट भी अभी निकल चुका है, पीछे पोस्टर निकल चुका है, तो प्रिंट लेंगे और फिर न्यूज वाले भी आ रहे हैं, उनके साथ भी थोड़ा बातचीत करेंगे करेंगे, वो भी आप लोग ब्लॉग में देखना, तो ब्लॉग को बिना स्किप किए देखना और सब्सक्राइब कर देना यार, ऐसे अच्छा ब्लॉग आएगा। और मेनली भैया तो पोस्टर आ रहा है, बहुत जल्द हम लोग कोशिश करेंगे उनसे मिलने के लिए, हाँ करेंगे, अगर किस्मत में रहा श्योर मिलेगी। तो फिलहाल अभी चलते हैं बैनर लेने के लिए, यहाँ से निकलेंगे लगाने के लिए, तो बोर्ड पर एलवी यादव सिस्टम। फिलहाल हम लोग हैं अंदर और हमारा इधर हो चुका है बैनर रेडी, आपको दिखाते हैं, रुको, ये हमारा बैनर, इधर है हमारे एलवी भैया और इधर हम पांच, ये मैं, पुष्पा, आंसू, आदि, रजत का फेस कहाँ गया, अरे छुप गया। चलो कोई बात नहीं, अपना एलविस भैया भी हो चुके हैं रेडी, बैनर भी हो चुके हैं रेडी, यो रेडी, बस सूखेगा और उसके बाद लेके सिस्टम फाड़ देंगे। यो सिस्टम भाई, जीता दो अपने वोट देके भाई, जीता दो अपने एलविस भाई को, जीता दो भाई सिस्टम। फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो भाई लोग ये देखो पूरा क्लियरली हमारा बैनर रेडी, पाँचों के पाँचों बंदों के फोटो, इधर अपना एलविस भैया क्या बोल रहे हैं, हाँ सिस्टम फाड़ देंगे ना, सिस्टम फाड़ देंगे, आइए। तो अपना हो चुका है रेडी फाइनली, ये पूरा हो चुका है क्लियर, अभी दिख रहा है, उस बार दिख रहा है आपको, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था, चारों ओर क्लैंप लगेगा और जाके हम लोग ऊपर टांग देंगे भाई। तो रेडी हो जाए, निकलते हैं हम लोग। 2000 years later. तो गाइस फाइनली हम लोग आके पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे, ये देखो सामने रसलगढ़, ये रसलगढ़ स्क्वायर, और हमारा लगे एलवी भैया का फोटो वहाँ सामने, जो छोटा सा फ्लैग दिख रहा है आप लोग को ऑरेंज कलर का, उधर ही लगेगा, क्या बोलते हो भाई?
सिस्टम हैंग होगा। रेडी सिस्टम, तो चलो अभी आंसू के पास चलते हैं। सिस्टम रेडी रेडी। ये ब्लॉगर ब्लॉगर आपको लुक को दिखा देता हूँ, ये देखो जूम करके, ये रहा वो फ्लैग, उधर ही लगेगा हमारा सिस्टम सिस्टम एलवी भाई का फोटो। और ये टापी स्क्वायर, ये रसलगढ़, उधर से कल्पना जाने वाला रोड, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस सर। पुष्पा भाई जी ने हमको कही थे कि हमें बहुत फोटो एलवी का रूम हैंग हो, तो मेनली मुझे बिग बॉस देखुली बहुत फोटो बड़े जैसे बच्चे कुशाल टंडन गोवर खान से सब देखुली मजे टोटल कम से मैंने बहुत फोटो देखा सब कि आम भोजन निज पाठ भी अच्छे क्यारियर से देखु एवं रिसेंटली देखा रिजन कौन ना आम तक फोटो फलो करते भल भले कमेडी भिड होता है तो मैं और पुष्पो अभी आ गए यहाँ पे इसको लगाएंगे, तो नीचे आपका हीरो नीचे है, तो इसको यहाँ पे लगा देंगे और फिर आएगा मजा इसको लगाने के बाद। मतलब ये भुवनेश्वर का एंट्री करेगा ना, ये रसूलगढ़ का मेन है, वहाँ पे एस्प्लेनेड है, ये मेन है, ये सेंटर में, इसलिए सेंटर में लगाएंगे रसूलगढ़ ना। और ऐसा मतलब चौक है, आप भुवनेश्वर से जहाँ भी जाना चाहो ये चौक देख के जाना पड़ेगा तो यहाँ पे सबका नजर रहेगा, सबका नजर रहेगा। तो देखते हैं बीएमसी वाला मतलब कि कुछ दिन रहना था इसको, मेरा घर तो इधर है, मतलब देखूंगा, मैं कॉल करूंगा इसको कि भाई लगाए कि नहीं लगाए, मतलब अगर आप लोग सपोर्ट किए ना ये पोस्टर को हर दिन हम लोग स्टोरी डालेंगे यहाँ पे, हाँ तो इसको पहले हम और जो कोई भी मतलब ये पोस्टर को फोटो उठाएगा हमको टैग करेगा, एलवी भाई को टैग, हम लोग मेंशन करेगा, हम लोग भी मेंशन देंगे, वो विलेज और मेरा ही कैप्टन उड़ीसा टैग करो, हम लोग मेंशन करेंगे, तो इसको पहले लगा देते हैं यहाँ से। तो गाइस हमारा लग चुका है सिस्टम वाला बैनर, देखो सामने, एक मिनट रुको, ये देखो लग गया हमारा सिस्टम ऊपर राव साहब के, मतलब एलबी भाई को जल्द से जल्द जाके बोर्ड देके जिता दो बिग बॉस। हाँ फिलहाल थोड़ा छोटा हो गया रीजन, परमिशन नहीं है हमारे पास, तो इसलिए थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन अगर अगर एलबी भाई जीत गए सीरियसली हम लोग बोल रहे हैं उधर से इधर तक लंबा वाला लगेगा एक बड़ा वाला सिस्टम। तो गाइस फाइनली इधर अपन का ब्लॉग एंड होता है, क्योंकि यहाँ से मेरे को जाना है, बारिश भी आ चुका है, देखो चारों, एक मिनट, ये देखो बारिश आ चुका है भयंकर लेवल का, बारिश पहले हो रहा था, तो यहाँ से निकलते सीधा घर को आधी और आंसू को छोड़ते सीधा घर को जाऊँगा, तो चलो घर पे जाके ही ब्लॉग एंड करते हैं, ठीक है, तो चलो। 2000 years later सो गाइस फाइनली रीच्ड होम, फिलहाल अभी घर पे आके पहुंचो भाई साहब, शाम के 6 बज गए हैं और फिलहाल अभी आके मैं लंच करूंगा, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सुबह सिर्फ मैं ब्रेड और पीनट बटर खा के ही गया था, और अभी फिलहाल लंच करूंगा क्योंकि हम लोग आज दोपहर में मतलब कितने बजे 3-4 बजे हम लोग सिर्फ खाए थे मिठाई, खाए थे गुलाब जामुन, खाए थे दुकान पे, वो भी 20-15-30 गुलाब जामुन खा गए थे, क्योंकि बारिश भयंकर लेवल हो रहा था, और हम लोग जहाँ पे खड़े थे एक साउथ इंडियन दुकान था, तो वहाँ पे जाके हम लोग सिर्फ जहाँ पे हम लोग खड़े थे वहाँ पे एक्चुअली बारिश हो रहा था बहुत ज़्यादा, और हम लोग खड़े थे एक साउथ इंडियन दुकान पे, और उधर पूरी पूरी दुकान का खाना खत्म हो गया था, सिर्फ मिठाई बाकी थी, तो मिठाई ही हम लोग खा गए गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा, 25-30 हम लोग खा गए गुलाब जामुन। सो फिलहाल अभी आके घर पे पहुंचे, और ये ब्लॉग कैसा था प्लीज़ यार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हम लोगों ने आज क्या है एलबीज भैया को वोट देने के लिए एक बिग एक बड़ा सा पोस्टर लगवाया है रसूलगढ़ पे, जो कि ओवरब्रिज के ऊपर, प्लीज सर आप सभी का वोट चाहिए और हमारे एलबीज भैया ही जीतना चाहिए इस बिग बॉस ओटीटी पे, मतलब इस बिग बॉस इस सीजन में हमारा विनर होना चाहिए हमारा एलबीज भैया, तो प्लीज यार सिस्टम हिला दो और बिग बॉस पे और जियो सिनेमा पे जाके उनको वोट बहुत ज्यादा दो और हमारा एलबीज भैया ही जीतना चाहिए। सो और ये वीडियो इतना शेयर करो भाई, एलबीज भैया भी ये वीडियो को जरूर देखे, ठीक है, और कटारिया भाई भी, तो प्लीज यार आप लोग का सपोर्ट जैसे पहला था वैसे रहना, तो मिलते हैं हम सभी और एक न्यू और फ्रेश वाला ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।